बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंत तक निपट जाएगा। वैसे जो सर्वे हमारे पास आया है उसमें काफी चेंजेज आया है जून जुलाई मंथ के हिसाब से, पर विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है यूपीए चाहे एनडीए, मतलब कि बीजेपी जेडीयू एलजेपी का या फिर महागठबंधन जिसमें आरजेडी कांग्रेस या फिर कोई दल रहता है या नहीं रहता है, उसकी समीकरण किस तरह से बन रही है। बहरहाल मांझी से लेके खुशवाहा तक काफी परेशान है, वीआईपी पार्टी थोड़ी सख्त। मित्रों आप जानते हैं कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस था, जन्मदिवस को उनके जन्मोत्सव को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। पूरे बिहार में आज के दिन कोई न कोई नेता प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं और प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, और आज इसी कड़ी में बेगूसराय में भी यह प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए उनके यशस्वी और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ, और पूरे जिला बेगूसराय की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके इस जन्मदिवस पर उनके लिए शुभकामना करता हूँ। और इसके कारण 2014 और 2019 दोनों लोकसभा के बिहार में अपार जन समर्थन देकर के नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के विकास के साथ साथ बिहार के विकास के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिसके कारण आज बिहार तरक्की की ओर बढ़ रहा है। गरीब महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाने की बात हो, चाहे मजदूरों के हित की बात हो या दलित भाइयों के हित दिलाने की बात हो, आज बिहार का हर वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए गए विकास सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया सीधे किसानों के बैंक खाते में दिया जा रहा है। बिहार में इस योजना से लगभग 71,72,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सप्ताह पर आज आयोजित यह प्रेस वार्ता में हम अपनी ओर से और बेगूसराय जिला भाजपा की ओर से जिला के लाखों कार्यकर्ता और उनके समर्थकों की ओर से अपनी अशेष शुभकामना देते हैं कि आप दीर्घायु हो और स्वस्थ हो, और इसी तरह मां भारती की सेवा करते रहें, देश आपके नेतृत्व में तरक्की करता रहे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वह शुरू से रहा, और जिसके कारण 1,25,000 का जो विशेष पैकेज उन्होंने दिया, आज उसी का परिणाम है कि देश के का विकास के साथ साथ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के रेल के विकास से लेकर के हवाई क्षेत्र के विकास से लेकर के और स्वास्थ्य के प्रक्षेत्र में भी, मैंने अभी कहा कि दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे बड़े बड़े पुल का निर्माण हो एनएच के क्षेत्र में, जो राष्ट्रीय उच्च पथ है उसके निर्माण के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात किसानों को और जो भी कोरोना के इस वैश्विक महामारी में जो एक वैश्विक संकट आया उसमें भी बिहार को, बिहार की गरीब जनता को, बिहार के महिला जनधन खाता के माध्यम से हो, चाहे फ्री में जो निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का सवाल हो, उस पर केंद्र की सरकार ने बिहार को बहुत कुछ देने का काम किया है। विस्तार से मैंने अपनी बातों को आपके सामने रखा है। एक और बड़ी बात जो कोरोना में इस संकट को, इस आपदा को अवसर में बदलने का जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी को है, उस विजन के कारण आज 20,00,000 करोड़ के पैकेज का घोषणा प्रधानमंत्री ने किया है, जिसका बड़ा लाभ बेगूसराय बिहार को मिलेगा, बेगूसराय को मिलेगा, और उस आत्मनिर्भर बिहार बनाने के संकल्पों के साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी और बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी